हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं होम और किचन की क्लीनिंग के हैक्स दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, हमारे घर में आसानी से मिल जाता है और वो दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हम हमारा पूरा घर साफ कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोलगेट लिया है, आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टूथपेस्ट ले रही हूँ। ये जो क्लीनर बना रहे हैं उससे हम घर में कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और ये थोड़ा सा लेमन जूस। अब सबको अच्छी तरह से मिला के एक पतला सा पेस्ट बनाना है। दो मिनट तक अच्छी तरह मिलाने के बाद ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब इससे हम क्या और कैसे क्लीन कर सकते हैं, चलो मैं अब ये दिखाती हूँ। सबसे पहले हम किचन के सिंक को क्लीन करते हैं। किचन का सिंक बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। किचन के सिंक को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अपना पुराना सॉक लिया है। जो हमारे अनयूज्ड और अनपेयर सॉक्स होते हैं अक्सर हम उसको फेंक देते हैं, पर अब हम इसका क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो ये पुराना सॉक्स मैंने अपने हाथ में पहन लिया है और अब इसे मैंने थोड़ा सा गीला कर दिया है। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था उस पेस्ट को लेकर हमें इस तरह से सॉक्स के ऊपर लगा देना है और फिर किचन के सिंक को अच्छी तरह से क्लीन करना है। इस क्लीनर की हेल्प से किचन में जो थोड़े से दाग धब्बे या येल्लोइशपन थोड़ा सा आ जाता है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। और सॉक्स यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हम कम समय में ज़्यादा क्लीनिंग कर पाते हैं और पूरा हमारे पूरे हाथ से अच्छी तरह से सिंक को भी क्लीन कर सकते हैं। सिंक को अच्छी तरह रगड़ने के बाद मैंने यहाँ पे एक पुराना टूथब्रश लिया है और उसके ऊपर ही मैंने वो पेस्ट लगा दी है। अब इस टूथब्रश की हेल्प से मैं इस तरह से बॉर्डर और जो छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे ऐसे क्लीन कर दूँगी, तो वो आसानी से अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और लास्ट में हमें इसे क्लीन वाटर से साफ कर देना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका किचन का सिंक पहले से ज़्यादा चमक कर निखर आएगा। अगर उसमें कोई पुराने दाग धब्बे भी हो गए तो वो भी चले जाएंगे और एकदम से शाइन करने लगेगा। नेक्स्ट अब हम क्लीन करते हैं जो किचन के सिंक में हम स्ट्रेनर रखते हैं उसे। तो उसको क्लीन करने के लिए मैंने सेम मेथड से टूथब्रश में वही पेस्ट लेके उसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया और अच्छी तरह से सारी बॉर्डर्स और वो सब क्लीन कर दिया और लास्ट में उसे क्लीन वाटर से वॉश कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन के सिंक में कितनी शाइन दिखा दे रही है और ये स्ट्रेनर तो देखो कितनी चमक रही है। अब इसको हम रख देंगे तो ये हमारा किचन का सिंक एकदम से परफेक्ट हो गया है। दूसरा, हम कोई भी टाइल्स को साफ कर सकते हैं। जैसे कि बाथरूम्स में ऐसी टाइल्स लगी होती है या किचन में ऐसी टाइल्स लगी होती है तो उसकी बॉर्डर्स और टाइल्स को चमकाने के लिए हम वही पेस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर्स में टूथब्रश की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ और अब पूरी टाइल्स को क्लीन करने के लिए मैं उसी तरह से अपने हाथ में सॉक्स पहन लूँगी और फिर उसमें ही वो पेस्ट लगा के इस तरह से क्लीन कर दूँगी। तो इस तरह से आप कोई भी टाइल्स क्लीन कर सकते हैं। अब ये पूरा क्लीन करने के बाद आप एक देख सकते हैं कि ये टाइल्स क्लीन हो गई है। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे बाथरूम में क्लीन कर रही हूँ। बाथरूम को क्लीन करने के लिए आप अलग से कोई टूथब्रश ले लीजिए और फिर इस तरह से वही पेस्ट लगाकर आप क्लीन कर सकते हैं, तो बाथरूम भी आसानी से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्लीन वाटर से वॉश कर दिया और आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन लग रहा है। अब इस पेस्ट का यूज़ आप कपड़ों पे लगे दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी शर्ट पे एक दाग लगा है तो उसको मैं आसानी से इसी पेस्ट से निकाल दूँगी।
तो वो ही जो पेस्ट बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला के इस तरह से उस दाग पे 2-3 मिनट तक रख दिया, और फिर इसी तरह से टूथब्रश लेके उसको स्क्रब कर दिया और फिर अच्छे से क्लीन वाटर से वॉश कर दिया। पानी से वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि दाग पूरी तरह से चला गया है। तो इससे आप कपड़ों पे लगे कोई भी दाग धब्बे को मिटा सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक ऑल पर्पस क्लीनर, जिससे हम घर में कोई भी फर्नीचर या काउंटर टॉप कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्प्रे बॉटल में 1 कप पानी लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस ऐड किया है। तो बस अब ये स्प्रे बॉटल को बंद कर दो, अच्छी तरह से शेक करके सब कुछ मिला दो। तो ये हो गया हमारा ऑल पर्पस क्लीनर रेडी। अब इसको कैसे यूज़ करना है चलो वो देख लेते हैं। इस क्लीनर का यूज़ करके आप काउंटर टॉप्स, फ्रिज, फर्नीचर कुछ भी क्लीन कर सकते हैं, और वो सब क्लीन करने के लिए हमें कोई माइक्रोफाइबर क्लॉथ या स्क्रबर की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा कोई भी पुराना सॉक्स ले लो या कोई अनपेयर हो गया हो ऐसा सॉक्स उठा लो और उसको हाथ में पहन लो, पूरा घर इसी से क्लीन हो जाएगा। अब फ्रिज साफ करने के लिए थोड़ा सा स्प्रे करो और हाथ से इस तरह से वाइप कर लो, तो हो गया आपका फ्रिज क्लीन। फ्रिज का हैंडल साफ करने के लिए भी बहुत आसानी से आपको आगे और पीछे दोनों साइड में क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप हैंडल को पकड़ के इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको बीच में ऐसा लगता है कि सॉक्स की एक साइड डर्टी हो गई है तो आप उसको घुमा के उसकी दूसरी साइड चेंज कर दीजिए और फिर से हो जाइए क्लीनिंग शुरू करने। और अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप उसको पानी से वॉश करके तुरंत ही आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चेयर क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, हमें पहले आगे और पीछे इस तरह से क्लीन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप सॉक्स का यूज़ करेंगे तो आसानी से आप ऐसी चेयर क्लीन कर पाएंगे। आपको सिंपली बस पकड़ पकड़ के इस तरह से वाइप करना है तो आप आगे और पीछे दोनों साइड पे क्लीन हो जाएगा। तो एक ही बार आपको इस तरह से क्लीन करना पड़ेगा। विंडो की ऐसी ब्लाइंड्स क्लीन करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, पर अगर आप इस तरह से सॉक्स पहन के क्लीन करेंगे तो आसानी से क्लीन कर पाएंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड में आप एक ही बार में क्लीन कर देंगे। इस तरह से उसी स्प्रे का यूज करके आप फैन को भी साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स पे वो स्प्रे लगा दिया है और इस तरह से ऊपर और नीचे आसानी से क्लीन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉक्स माइक्रोफाइबर जैसा ही काम करता है, उस पर डस्ट आसानी से चिपक जाता है। तो अब आज के बाद कभी भी सॉक्स को फेंकेगा मत, लेकिन इस तरह से क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप डोर और फर्नीचर को भी क्लीन कर सकते हैं। और ये एक सिंगल से सॉक्स का मज़ेदार यूज़ तो ये है कि बस किचन में जाके हाथ में पहन लो, और उसमें मैंने एक ही ड्रॉप डिश सोप का लिया है, और आप एक ही ड्रॉप डिश सोप से सारे बर्तन क्लीन कर सकते हो, तो आपको कोई स्क्रबर या स्पंज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉक्स का जो वुलन मटेरियल होता है इससे आसानी से डिश सोप फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इसी से आपको कम डिश सोप यूज़ करके आप सारे बर्तन क्लीन कर पाओगे, और बर्तन भी ऐसे चमक जाते हैं कि आपको अपना ही चेहरा बर्तन में दिखाई देगा। और अगर आप सॉक्स पहन के बर्तन साफ करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरह से आप उसको फोल्ड करके स्पंज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आसानी से आपके बर्तन क्लीन हो जाएंगे। तो ये थे आज के मेरे किचन और हाउस को क्लीन करने के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।